हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहारा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 एम्पियर थ्री फेज मेन स्विच। दोस्तों, ये जो आपके सामने ये हम बॉक्स में से जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, ये एक 100 एम्पियर का मेन स्विच है। ये क्या काम आता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसकी वायरिंग कैसी होती है, आज की इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। हमने 4 फीट बाय 6 फीट का एक मेन इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड बनाया है प्लाईवुड लगाकर। इसके ऊपर हमको ये मेन स्विच और बस बार फिट करना है। ऊपर वाला ये हमारा थ्री फेस का बस बार है, वो भी हम देखने वाले हैं बस बार क्या होता है और क्या काम आता है। तो हम सबसे पहले हमारे मेन स्विच को खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं ये अंदर से कैसा है। ये देखिए, ये अंदर 3 फ्यूज़ का पैकेट है जो कि टॉप है इसके। ये डैमेज ना हो इसलिए थर्माकोल के पैकिंग के अंदर कंपनी ने दिया है। ये 3 फ्यूज़ है RYB के लिए, रेड, येलो और ब्लू वायर के लिए, जो मेन हमारे फेस होते हैं। ये हमारे इसके अंदर 3 फेज अंदर लग जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रल जो है, ये छोटा सा जो साइड में कनेक्टर है वो वहाँ पर लगता है। ये है हमारा बस बार। ये जो ऊपर वाले बार है वो रेड, और ये उसके नीचे वाला ब्लू, और उसके नीचे वाला येलो, RYB के ये बार हैं तीनों। सबसे नीचे वाला ब्लैक जो न्यूट्रल के लिए है, यह न्यूट्रल बार है। दोस्तों, ये क्या काम आता है, ये जो कॉपर के 4 पट्टियां हैं, कॉपर के जो 4 कनेक्टर्स हैं, ये वायर्स के कनेक्शन के लिए होते हैं। जैसा वायर के कनेक्शन जो हमारे मेन मीटर के अंदर जो लाइन के वायर्स जाने वाले हैं वो इसके थ्रू से जाते हैं दोस्तों। वो पैनल की वायरिंग के टाइम हम आपको दूसरी वीडियो में उसकी सारी डिटेल आपको बताएंगे। जैसे 10-15 वायर्स होते हैं जो फ्यूज़ के कनेक्टर में नहीं बैठते, फ्यूज़ के टर्मिनल में नहीं जा सकते, वायर का गुच्छा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बस बार का यूज़ होता है। तीनों की तुमने जो फेस हैं वो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये बस बार जो है काम आता है दोस्तों। तो हमको जो मेन स्विच है और बस बार है, ये दोनों को इस बड़े पैनल बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देना है नट बोल्ट के अंदर। तो हम इसके मार्किंग लगाकर इसमें होल करके नट बोल्ट में पैक कर देते हैं। मेन स्विच हमने नीचे साइड में लगाया है और बस बार जो है ऊपर साइड में लगाया है। वो नीचे साइड में मेन स्विच इसलिए लगाया है क्योंकि हमको जो आर्मर्ड केबल लगाना है वो लगाने में नीचे से आसानी हो जाती है। हमारा जो आर्मर्ड केबल है वो इलेक्ट्रिक पोल पर से जो आने वाला है वो 25 mm का 3.5 कोर का केबल है, वायर है, यानी 3 वायर्स RYB रेड, येलो, ब्लू, 3 फेस के हैं उसके अंदर, और एक जो है वो जो हाफ वायर है वो न्यूट्रल के लिए है। वो जो पोल पे से वायर आएगा दोस्तों, ये हमारे जो मेन स्विच है 100 एम्पियर का, इसके अंदर बैठने वाला है, और जो मेन स्विच से आउटपुट निकलने वाला है RYB और न्यूट्रल, वो हमारा ये बस बार के RYB के अंदर लगने वाला है, न्यूट्रल के अंदर, न्यूट्रल और 3 फेस के अंदर RYB, और इसी बस बार से पूरे के पूरे पैनल के ऊपर दोस्तों जो मीटर बैठने वाले हैं उसके अंदर ये सप्लाई, जो लाइन का सप्लाई है वो बस बार के थ्रू से जाने वाला है, और पूरे के पूरे पैनल पर यहीं से जो है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके अंदर हमारे दूसरे वीडियो को इसी पैनल के देखिए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमने सिर्फ इतना ही इस वीडियो में दिखाया है।
हमको इस वीडियो में सिर्फ 100 एम्पियर मेन स्विच क्या होता है और थ्री फेस बस बार क्या होता है ये दिखाना था।